हेलो गाइस, वेलकम टू FSC। मैं बढ़िया हूँ, शुक्र करता हूँ कि आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं नीलकंठ धाम, जो कि है गुजरात में। तो हम सूरत में रहते हैं, तो हम सूरत से नीलकंठ धाम जाएंगे। और नीलकंठ धाम एक टेम्पल है, और उसके बाजू में कुबेर भंडारी करके भी एक टेम्पल है, जो कि एक शिव जी का टेम्पल है, और वो नर्मदा रिवर के किनारे पे आया है। तो हम आज इस जर्नी में आपको दिखाएंगे कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, क्या बस का फेयर है, कहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट मिल सकता है। और वो मंदिर काफ़ी बढ़िया और बहुत ही बड़ा है, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं। तो आज मैं आप सबको इस वीडियो में उस मंदिर के बारे में और इस जर्नी के बारे में सब इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हम लोग ऑन द वे है नीलकंठ धाम के लिए। अभी एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं, तो हम लोग हमारी प्राइवेट व्हीकल लेके जा रहे हैं। अगर आप लोग सूरत से निकल रहे हैं तो आप वाया बस जा सकते हैं, जिसका चार्ज अराउंड 400 रुपीज़ है। और अगर आप गवर्नमेंट या सरकारी बस से जा रहे हो तो वो भी डायरेक्ट सूरत से जाती है। वो गवर्नमेंट के जो स्टॉप होती है वो स्टॉप करती है, तो वो अराउंड 100 या 200 रुपीज़ जितना चार्ज करती है। अभी हम हमारा प्राइवेट व्हीकल लेके जा रहे हैं, तो पर पर्सन कितना एक्सपेंस होगा, किस तरह से जा रहे हो और किस तरह से पहुंच रहे हो, किस टाइम में, वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो अभी यहां से रन है अराउंड 3 किलोमीटर, सो अभी एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं और आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आगे।
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए नीलकंठ धाम। अराउंड हमें 3.5-4 घंटे लग गए। हम 5:30-5:30 बजे तक निकले थे सूरत से और अभी अराउंड 9 बजे है। कि रास्ता थोड़ा सा बीच में ख़राब था इसलिए गाड़ी स्लो चली। तो ये है यहाँ का मेन गेट। तो पहुंच चुके हैं फाइनली हम। अब हम आपको अंदर, अगर कैमरा अलाउड आई थिंक तो है, एक बार मैं आया था तो अगर ले जाने देंगे तो मैं अंदर से आपको सब व्यू दिखाऊंगा टेंपल का और वो सब। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पार्किंग का है तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे आप अगर रहने के लिए होटल वगैरह रखते हैं तो यहाँ पे आप रह सकते हैं। Thank you.
पानिया है वो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो गाइस ये जो है ये यहाँ की कैंटीन है, यहाँ पे आप सभी तरह का फूड मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे काउंट बोर्ड में देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पे है, आइसक्रीम वगैरह। और आई थिंक यहाँ पे सब ऑनियन गार्लिक के बिना होगा, क्योंकि स्वामीनारायण में वो लोग ऑनियन गार्लिक नहीं खाते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जगह काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे आप आराम से बैठ कर खाना खा सकते हो। यहाँ पे सब फैमिली के साथ भी आए हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे खा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरा इस तरह से इसका ये जो शॉप है वो इस तरह की हो। और यहाँ पे एक जगह से आपको टिकट्स लेनी है, कूपन लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब यहाँ पे टिकट ले रहे हैं, तो यहाँ से आप कूपन ले सकते हो। ये सामने जो है वो है टिकट काउंटर, यहाँ से आप अपनी जो भी फूड आपको परचेस करना है उसका जो है वो टिकट और कूपन यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आपको टोकन लेना है। यहाँ पे सब्जी रोटी या नॉर्मल दाल फ्राई या कुछ खाना है तो वो भी इन लोगों ने रखा है, और फास्ट फूड का भी फैसिलिटीज़ है। तो सभी तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। कह रहा था कि यहाँ पे अगर आपको थाली खानी है तो यहाँ पे पंजाबी थाली, गुजराती थाली वो सब भी मिलती है, जो कि वो भी बिना ऑनियन और गार्लिक के ही आएगी। तो अगर आपको फास्ट फूड या ऐसा कुछ नहीं खाना है तो आप यहाँ पे ऐसे पंजाबी थाली और गुजराती थाली भी खा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या प्राइस है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि
यहाँ पे सिर्फ छोले का प्राइस लिखा है, छोले भटूरे का, जो कि है 50 रुपीज। तो हम लोग जा रहे हैं कुबेर भंडारी, जो कि ये मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है। तो ये जो है हमारा, ये पीछे हमारा मंदिर, और यहाँ से आगे हम पीछे की साइड जाएंगे तो यहाँ से हम आएंगे कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी एक शिव जी का एक मंदिर है, जहाँ पे लोग हर पूनम को आते हैं। यहाँ इतनी वो मंदिर की इतनी श्रद्धा है कि वहाँ पे कोई मन्नत मांगो तो वो पूरी होती है। तो सब लोग पूनम के दिन आते हैं, और पूनम के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो बीच में नर्मदा नदी है, तो हमें वो नदी को पार करके नाव से जाना होगा। यहाँ पे लोकल नाव वाले रहते हैं, तो हमें वहाँ तक ले जाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं, आपकी कार भी वहाँ तक ले जा सकते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग कार लेके आ रहे हैं, तो मैं अभी चलते हुए जा रहा हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो वो लोग कार लेके आएंगे, वहाँ पे नर्मदा नदी है, वहाँ पे आप नहा भी सकते हो। तो हम भी थोड़ा वहाँ चिल करेंगे, पहले हम जाएंगे शिव जी के दर्शन के लिए, और यहाँ से नाव में जाना है। तो वहाँ पे जाके नाव का जो भी प्राइस है वो कितने रुपए होंगे पर पर्सन, आई थिंक पहले 20 या 30 रुपए थे। तो अभी हम जाएंगे और देखेंगे कि वो टोटल प्राइस कितनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पहुँच के कि नाव की प्राइस कितनी है और आप किस तरह से जा सकते हैं। आपको वॉक करके जाना है, तो इस तरह से रास्ता है। गाड़ी के लिए दूसरा रास्ता है पीछे की ओर से, ये सामने जो दिख रहा है हमें वहाँ तक जाना है। ये पूरा नदी का ही है, लेकिन अभी गर्मी चल रही है तो पानी बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब चल के आ रहे हैं, और यहाँ पे कार भी है। तो ये कुबेर भंडारी, और ये यहाँ से जाना है जो कि वाया बोट जाना है। तो ये जो है नर्मदा रिवर है, हमें रिवर के उस पार जाना है, तो हम बोट लेके यहाँ से जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से बोट में जा रहे हैं, जिसका किराया 40 रुपीज़ है आने जाने का। जो है यहाँ पे हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, और मंदिर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे शॉपिंग के लिए शॉप है, एज यूजुअल गॉड की सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ मंदिर से, मंदिर में जाने से पहले आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माँ काली का मंदिर है,
कुबेर भंडारी से पहले ही जो हमें सीढ़िया ऊपर चढ़नी है यहाँ से, और यहाँ से ऊपर हम जाएंगे तो हमारा जो कुबेर भंडारी है वो मंदिर आ जाएगा। तो ये है कुबेर भंडारी का मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले नीलकंठ धाम से पहले ये मंदिर यहाँ पे बना था। तो यहाँ सब जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा की पूजा के लिए यहाँ सब आते हैं, उसकी मन्नत मानते हैं। और यहाँ की बहुत ही मान्यता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई मन्नत मांग के अगर आओ तो आपकी विशेष पूरी होती है। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है, तो अभी आई थिंक रिनोवेशन और वह सब चल रहा है। गाइज हम कुबेर भंडारी जाके आए, थोड़ा बहुत नहाए। अब हम यहाँ पे नीलकंठ धाम में नया कुछ इन लोगों ने प्रदर्शन के लिए रखा है तो उसके लिए आए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे टिकट है 160 रुपीज़ पर पर्सन, और बच्चों के लिए यानी कि चार साल के बच्चों के लिए और उससे कम के एज के बच्चों के लिए 90 रुपये टिकट है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखिए एक 150 रहता था, 150 फीट बड़ी मंदिर है, फिर शो है, बोटिंग है, गार्डन है बच्चों के लिए, और शूज है, एक मेरी सब कुछ बनाया है। तो ये सब बाहर का व्यू है। अभी हम टिकट ले रहे हैं तो अगर अंदर का कैमरा खराब होगा तो मैं आपको अंदर सकते हुए लोग आ चुके हैं अंदर इस प्रदर्शन में। ये इसका एंट्रेंस है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया बनाया है। यहाँ पे जो छोटे छोटे टावर्स रखे हुए हैं। और ये देखिए thank you.
लीजिए चेंज ऑफ लाइफ को। अब हमने भी एक शो चालू है जो कि कम से कम 20 मिनट्स तक का है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है और इन लोगों ने बोला है कि अगर 40 से 50 लोग हो गए तो भी वो शो स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग ये शो देखने नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हैं। है चिड़ियाघर और क्या था, हाँ, और मिरर हाउस, कला मंदिर और द्रौपदी का चीरहरण। तो यहाँ पे ये सब इन लोगों ने व्यू के लिए रखा है, तो चलिए हम देखते हैं। ये तो तो मीरा क्यू के बाद ये है कला मंदिर, तो देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे देखिए प्रभु की लीला है, उसके बारे में बताया। यहाँ पे बाहर साइन दिया था कि आवाज़ कम करे, इसलिए मैं भी बोलता हूँ। सभी तरह का बॉक्स में विद 3D पेंटिंग, खूबसूरत 3D पेंटिंग के साथ तरफ है। अब हम वो भी देखते हैं, चलिए ये बंद है। यहाँ पे जीते जाते भूत आ गए जो आगे जा रहे हैं। Oh!
दूसरी टनल के एग्जिट में। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब देखते हैं आगे क्या और है। तो ये एक्वेरियम मैं इसे ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो आप खुद ही आके इसको एंजॉय कीजिए, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगा। वर्थ इट है, अभी भी कह रहा हूँ वर्थ इट। आप खुद ही आके इसको एंजॉय कीजिए, मैं एक्वेरियम पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप विजिट करो और आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल हो। नाउ दिस इज आवर साइंस सिटी। तो इसका भी मैं आपको पूरा वो नहीं दिखाऊंगा, कुछ दिखा गया है तो आप देख। ये सब 160 रुपीज़ में फ्री है। भाई बोले भाई नहीं बोल दे रहा कि मारे इट्स स्टिल नॉट ओवर नाउ। तीन दो चीज़ें अभी भी है, बोटिंग एंड एंजॉय पार्क। दिस वन इज आई थिंक एंजॉय पार्क। बहुत सारी चीज़ें बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया है वजह से ठीक चला झूलता हुआ ब्रिज करो जल्दी आलता आलता करो ये था एंजॉय पार्क। वो था गार्डन गई है, छोटे बच्चों के लिए भी है बड़े बच्चों के लिए भी है। तो शायद हम इसको अवॉइड करेंगे। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और हमें अभी निकलना है वापस सूरत जाना है। बहुत चार घंटे का रहे हैं। यस यू कैन विजिट द एंजॉय पार्क विद फैमिली। बस ये था 160 रुपीज़ में पूरा का पूरा जो इन लोगों ने यहाँ पे रेडी किया है वो। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि ज़रूर विजिट कीजिए। वर्थ इट था, सब कुछ था यहाँ पे। अभी भी बोटिंग का है लेकिन शायद हमारे पास टाइम नहीं है तो हम लोग शायद बोटिंग के लिए नहीं जाएंगे। तो यस आप लोग यहाँ पे आइए, टाइम लेके मतलब तीन घंटे तो निकाल ही लीजिए, दो तीन घंटे अप्रॉक्स, क्योंकि बहुत ही बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिस नहीं करनी चाहिए। 160 रुपीज़ में ये मतलब मेरे लिए तो काफ़ी है, हम सब ने भी इतने टाइम में भी एंजॉय किया। तो गाइस प्लीज़ विजिट दिस एंड अभी हम आई थिंक तो एग्जिट ही करेंगे तो देखते हैं। देनी थी कि अगर आपको बोटिंग के लिए जाना है तो उसकी अलग से टिकट है, 50 रुपीज़ है और 4 से 12 साल के बच्चों के लिए 20 रुपीज़ है। यहाँ से आपको कम मिल सकते हैं और यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। और अंदर आई थिंक मैंने ऐसे ही पूछा था जाने के लिए तो कैमरा यूज़ करने के लिए मना बोला, लेकिन अंदर कुछ शो का भी कुछ था तो यह सब आपके पास टाइम है तो आप विजिट कर सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं बाहर में। ये है 51 फुट की श्री स्वामी नारायण की प्रतिमा। बहुत
तो जैसे कि मैंने ये कहा था पहले कि ये जो पीछे यहाँ पे है वो इन लोगों ने गेस्ट रूम रखा है होटल जैसा कुछ, तो यहाँ पे चार्जेस कुछ इस तरह से है कि 1200 रुपये है एसी वाले रूम का, जो जिसके अंदर वो लोग आपको तीन बेड प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको नॉन एसी रूम चाहिए सिर्फ फैन वाला तो उसमें भी वो तीन बेड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका चार्ज देते हैं 700 रुपीज़। तो अगर आप दो दिन के लिए या फिर अराउंड गेस्ट रूम रखने का प्लान कर रहे हैं तो इस तरह से उसका चार्जेस है। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं वापस सूरत की ओर और ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जर्नी हो गई और अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो हमारा पर पर्सन रेट अराउंड समथिंग 2000 रुपीस हुआ विथ फूड एंड एवरीथिंग। सो अगर आप लोग प्राइवेट व्हीकल लेके चल रहे हो तो पर पर्सन रेट इतना समझ लो। हम लोग चार लोग थे तो इस तरह से हमने डिवाइड किया है। और अगर आप बस में जा रहे हो तो जैसे मैंने पहले बताया कि 400 या 500 रुपीस उसका टिकट चार्जेस है, और गवर्नमेंट बस में जा रहे हो तो उसका उस हिसाब से है। और फूड का तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सैंडविच और समोसा खाए थे तो अराउंड वो भी 200-180 रुपीज़ का हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे खाने का चार्जेस है। और गुजराती और पंजाबी थाली है उसका अराउंड 180 एंड 50 एंड 60 अलग अलग प्राइजेस है। तो इस तरह से यहाँ पे खाने का है और टेस्ट भी अच्छा था। तो बस ये था हमारी जर्नी का रिव्यू और ब्लॉग अबाउट दी नीलकंठ धाम एंड कुबेर भंडारी। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है, आप यहाँ अपने फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ आ सकते हो और पूरा दिन निकाल के आओ और एंजॉय करो। और मेन चीज़ 160 रुपीज़ की टिकट लो और ये जो इन लोगों ने प्रदर्शन यहाँ पर रखा है वो देखने ज़रूर जाओ, क्योंकि वो वर्थ ही थे 160 रुपीज़ आपके, और काफ़ी बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। तो चलिए अब हम चलते हैं रिटर्न और ये ब्लॉग यहाँ पे होता है एंड।